हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उस देश की शराब दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। इतना ही नहीं, इस देश को एक तरीके से शराबियों का देश भी माना जाता है। इस देश में अंगूर और अखरोट का उत्पादन बहुत ज्यादा है। वैसे तो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण ये देश आज गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहा है। तो चलिए फिर आज के सफर में निकलते हैं यूरोप में स्थित मालदोवा कंट्री में। और हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इस देश का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ मालदोवा है। इस देश की आबादी करीब 26 लाख के आसपास है। यहाँ के 48% लोग शहरों में रहते हैं और 52% लोग गांव यानी रूरल एरिया में रहते हैं। दोस्तों, मालदोवा बाकी यूरोप देशों से काफी यंग है क्योंकि यहाँ की औसतम उम्र 38 साल तक है। मालदोवा के लोग तीन भाषा बोलने में काफी परफेक्ट है, जिनमें से रोमानियन, रशियन और गगोज भाषाएं हैं। इस देश का क्षेत्रफल 33,846 हेक्टेयर किलोमीटर है। वैसे तो मालदोवा अपनी सीमाएं यूक्रेन और रोमानिया के साथ साझा करता है। मालदोवा की राजधानी और वहां का सबसे बड़ा शहर चिसिनाव है। दोस्तों, मालदोवा के ऊपर सोवियत संघ का शासन रहा है और मालदोवा को 27 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से आजादी मिली। इस देश में मालदोवन ल्यू नाम की मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है और वर्तमान की डेट में एक मालदोवन ल्यू 4.73 इंडियन रुपी के बराबर है। क्या आपको पता है कि सोवियत संघ के समय मालदोवा यूरोप का सबसे धनी राष्ट्र था। वैसे तो मालदोवा दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां 3 साल तक कोई भी सरकार नहीं थी और यहां के लोग बिना सरकार के काफी परेशान भी हुआ करते थे। इसलिए इस देश को कई आर्थिक और राजनीतिक धक्के भी लगे थे, जिसके चलते यह देश काफी पीछे जा चुका है। आज के समय में ये देश यूरोप का सबसे गरीब देश भी कहलाता है। यहाँ के राजनीतिक हालत इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ सन 2012 से 15 तक इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं था। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की राजनीति कैसी हो सकती है। हालांकि ये देश यूरोप में आता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की हालत बहुत खराब है। मालदोवा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से शराब पर टिकी हुई थी। हालांकि 2006 में रशिया ने इनकी शराब पर बैन लगा दिया और उसके बाद इस देश की हालत बहुत खराब हो गई और अर्थव्यवस्था का भी काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यह देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी कमजोर है। शराब पीने की लत इस तरीके से है कि देश की 1/4 से ज्यादा संख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शराब का सेवन करती है। गिनीज बुक के अनुसार 1.5 मिलियन बोतलों के साथ मालदोवन वाइन संग्रह है। मेलेस्ट्री मिसी दुनिया का सबसे बड़ा वाइन संग्रह है। यह 200 किलोमीटर तक फैला है। वैसे तो देश का नाम मालदोवा मालदोवा नदी के नाम से आया है। इसके अलावा पड़ोसी देश रोमानिया से बहने वाली यह नदी मालदोवन क्षेत्र में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती। वैसे तो मालदोवा सहित दुनिया के केवल 3 देशों में राष्ट्रीय ध्वज के आगे और पीछे के हिस्से एक दूसरे से अलग हैं। इन 2 अन्य देशों में सऊदी अरब और लैटिन अमेरिकी पैराग्वे देश शामिल है। मालदोवा मिट्टी उर्वरक उपजाऊ के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर स्थान रखती है। लगभग सभी मालदोवन कम से कम एक विदेशी भाषा जानते जरूर हैं। बहुत से लोग रूसी भी बोलते हैं। मालदोवा अखरोट के उत्पादन में दुनिया के 7वें स्थान पर आता है। मालदोवा के पूरे क्षेत्र में लगभग 1/4 हिस्से में अंगूर की बागवानी होती है। प्राचीन समय में विशेष रूप से बड़े हाथी यहाँ रहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे बहुत समय से अब लुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर अगर आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आता है तो उसका आप अभिवादन चाय नाश्ता के साथ करते हैं, लेकिन मालदोवा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यहाँ पे कोई अगर अतिथि गेस्ट पहली बार आता है
तो उसको सबसे पहले शराब ही दी जाती है। अगर उस गेस्ट ने उस शराब को मना कर दिया तो वो उसको अपना निरादर मानते हैं। तो किसी भी हालत में आपको शराब पीना ही पड़ेगा। अगर टूरिस्ट के मामले से देखा जाए तो मालदोवा प्राकृतिक का एक खजाना है, जहां आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी और प्राकृतिक का ऐसा नज़ारा शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगा। इन टूरिस्ट प्लेसों में जैसे ओल्ड ओरही, प्रोका बेंडर, थैंक्स गिविंग कैंडल, डैंड पार्क और भी बहुत खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस हैं। अगर आप भी ऐसी जगहों पर घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स और मालदोवा का वीज़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की करेंसी हमारी इंडियन करेंसी से काफ़ी कम है। तो इस लिहाज से आप कम बजट में ही काफ़ी अच्छी जगहों पर घूम सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस मालदोवा कंट्री के बारे में इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और कंट्री के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज़ खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।